हेलो एवरीवन। तो हम लोगों ने कूलम्स लॉ पढ़ लिया है, चार्ज की प्रॉपर्टीज़ के बारे में पढ़ लिया है। अब आज एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड होता क्या है। देखो किसी भी इलेक्ट्रिक चार्ज के आसपास इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फ्लुएंसेस इट्स सराउंडिंग्स बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और किसी भी चार्ज का जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो इन्फिनिटी तक जाता है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है। ये तीनों चीज़ें आपको याद रखनी है। इसको निकालते कैसे हैं, इसकी एसआई यूनिट कैसे निकालते हैं, वो मैं अगली वाली स्लाइड में बताऊंगा या थोड़ी देर के बाद बताऊंगा। अब जैसे कई बार बच्चे पूछते हैं कि सर इलेक्ट्रिक फील्ड आती कहाँ से है, तो जैसे मास के कारण ग्रेविटेशनल फील्ड होती है, वैसे चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। लेकिन इसका ओरिजिन क्या है, ये एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टाइप क्वेश्चन है। लेकिन हाँ, हमने ये जरूर देखा है एक्सपेरिमेंट से कि किसी भी पॉजिटिव चार्ज के पास आप पॉजिटिव रखो तो पॉजिटिव पॉजिटिव को रिपेल करता है। तो उस पॉजिटिव से कुछ ना कुछ तो निकल रहा होगा ना, जो अगले पॉजिटिव तक पहुंचेगा और रिपेल करेगा। तो हर चार्ज के कारण आसपास क्या होती है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड होती है। तो एन इलेक्ट्रिक चार्ज इन्फ्लुएंसेस इट्स सराउंडिंग बाय क्रिएटिंग एन इलेक्ट्रिक फील्ड। और एक किसी भी चार्ज का इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ तक जाता है, इन्फिनिटी तक। और ये एक वेक्टर क्वांटिटी है। तो जैसे कोई ये चार्ज क्यू है, तो इस चार्ज क्यू के पास में आप कहीं पे भी कोई चार्ज रखोगे, जैसे मान लो आपने यहाँ पे रखा तो ये इस पे फोर्स लगाएगा, आपने यहाँ पे रखा तो देखो ये इस पे उधर की तरफ फोर्स लगाएगा, ये इस पे इधर की तरफ, मतलब रिपेल करेगा ना। आप यहाँ रखोगे तो कहाँ करेगा, इधर की तरफ। तो देखो यहाँ पे डायरेक्शन भी तो इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाती है, वेक्टर क्वांटिटी। तो अब हम ये निकालते कैसे हैं, तो देखो, तो अब हमारा टॉप टॉपिक है इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन और उसकी यूनिट। तो ये एक कन्वेंशन है, देखो ये एक कन्वेंशन है दैट इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ और इंटेंसिटी, तो किसी भी पॉइंट पे अगर आपको इलेक्ट्रिक फील्ड की स्ट्रेंथ की निकालनी है, तो ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, जैसे मान लो इस क्यू के कारण मान लो आपको इस पॉइंट पी पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, जो वहां से आर दूरी पे है। देखो ध्यान से देखो, तो ये वाली दूरी कितनी है, ये वाली दूरी दे रखी है आर। इट इज गिवन बाय फोर्स एक्टिंग ऑन ए यूनिट पॉजिटिव चार्ज प्लेस्ड एट दैट पॉइंट। तो अगर मैं यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना चाहता हूँ, तो यहाँ पे मुझे क्या रखना पड़ेगा, यहाँ पे मुझे रखना पड़ेगा +1 कूलम का चार्ज। तो जिस पॉइंट पे आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, आप उस पॉइंट पे क्या कीजिए, आप उस पॉइंट पे 1 कूलम का चार्ज रख दो। तो उस पे जो फोर्स लगेगा वही इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। तो यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे वन है, बीच में है दूरी आर। तो आप बताओ कि इस पे फोर्स कितना लगेगा। तो फोर्स होता है के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज अपॉन डिस्टेंस का स्क्वायर, और डिस्टेंस कितनी है आर। अब देखो ये तो वन है, तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आ गया, के क्यू बाय आर स्क्वायर। और ये आर के क्या बता रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। तो ये तो हो गई वैल्यू, और ये क्या हो गया, डायरेक्शन। आया समझ में? तो अगर पॉजिटिव चार्ज है तो याद रखना इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होती है। तो एक पॉजिटिव चार्ज के कारण जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती है वो बाहर की तरफ होती है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे बनाते हैं, इसका एक अलग लेक्चर है। और नेगेटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जो होती हैं वो अंदर की तरफ होती हैं, है ना। तो पॉजिटिव चार्ज के कारण बाहर की तरफ, नेगेटिव के कारण अंदर की तरफ, है ना। अब हमारा नेक्स्ट काम है, वो है फोर्स और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में रिलेशन ढूंढना। तो देखो सपोज करो कि यहाँ पे एक चार्ज क्यू है, इससे आर दूरी पे एक चार्ज क्यू डैश है, और दोनों के बीच में डिस्टेंस है आर। तो ये क्यू इस क्यू डैश पे कितना फोर्स लगाएगा, के इंटू पहला चार्ज इंटू दूसरा चार्ज डिवाइड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। लेकिन के क्यू बाय आर स्क्वायर तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो एफ क्या हो गया, ई इंटू क्यू डैश। तो ई क्या हो गया, एफ अपॉन क्यू डैश। तो एफ की यूनिट तो न्यूटन, चार्ज की यूनिट क्या हो जाएगी, कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन कूलम। तो इलेक्ट्रिक फील्ड है वेक्टर क्वांटिटी है, जिसकी एसआई यूनिट क्या है, न्यूटन अपॉन कूलम। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करते हैं, जिसे खासकर ये वाला फॉर्मूला कैसे यूज करना है ना। तो देखो नेक्स्ट आते हैं हम, तो क्वेश्चन है हमारे पास, क्वेश्चन जो है वो ये है कि 2 कूलम का चार्ज है, वो 1,0 पे पड़ा हुआ है, आपको 3,1 पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला याद है आपको, के क्यू आर के अपॉन आर स्क्वायर। अब के तो हमें पता है, के की तो कोई दिक्कत ही नहीं है।
क्यू हमें पता है, देखो किस चार्ज के कारण निकालनी, टू कूलम वो भी है मेरे पास, तब दो लोगों की दिक्कत है, आर के पर आर स्क्वायर। इस आर का मतलब तो होता है, देखो इस आर का मतलब होता है कि इन दोनों पॉइंट में दूरी कितनी है, तो वो तो हमें डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा, वो दूरी कितनी है रूट फाइव। अब बचा आर केप, देखो आर केप कैसे निकालते हैं, आर केप निकालने का तरीका है जिस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है उसका पोजिशन वेक्टर, तो 3.1 मतलब 3i केप प्लस j केप माइनस जिस पॉइंट पे चार्ज पड़ा है उसका पोजिशन वेक्टर, 1.0 मतलब i केप प्लस 0 k केप डिवाइडेड बाय ये जो वेक्टर आएगा, ये जो वेक्टर आएगा इसका मैग्नीट्यूड कितना है देखो रूट फाइव, तो नीचे आ जाएगा आपका रूट फाइव। इस तरीके से निकालते हैं ना, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर निकालना। तो वेक्टर, तो यूनिट वेक्टर कैसे निकालते हैं ये आपने वैसे ही 11th में पढ़ा होगा। तो यूनिट वेक्टर निकालने का तरीका जैसे आर केप निकालना है, तो कैसे निकालते हैं वेक्टर डिवाइडेड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, तो इसको माइनस करने पे जो वेक्टर आएगा उसका मैग्नीट्यूड लिखा है मैंने, बस आगे इलेक्ट्रिक फील्ड और ऐसे यूनिट पुट करना मत भूलो, वो कितनी होगी न्यूटन अपॉन कूलम, है ना। देखो यहाँ पे अब मैंने दो चार्ज लिए हैं, देखो ये क्वेश्चन ना करने के बहुत तरीके हैं, लेकिन ये तरीका क्या है कि जल्दी समझ में आता है और इससे आंसर एकदम परफेक्ट आता है ना। तो क्वेश्चन है आपके पास, क्वेश्चन जो है वो इस तरीके से है कि आपके पास जो है दो चार्ज है, दो कूलम के, टू टू कूलम चार्ज आर प्लेस्ड एट टू वर्टिसेस ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ऑफ साइड लेंथ 1 मीटर। तो साइड लेंथ आपको दे रखी है कि भाई 1 मीटर है, ये 1 मीटर 1 मीटर। आपको थर्ड वर्टेक्स मतलब सी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है। अब देखो किसी भी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कब होती है, जब उस पॉइंट के आसपास चार्ज होते हैं, तो सी के पास में एक था चार्ज तो है ए, सी के पास में एक चार्ज है वो है बी, दोनों पे कितना पड़ा है 2 कूलम और 2 कूलम। तो मैं इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करूंगा, देखो ए तो मान लो ऑरिजिन है 0.0, आप ऑरिजिन किसी को भी ले सकते हो, ये 0.0 है तो यहां से 1 मीटर की दूरी पर 2 कूलम पड़ा हुआ है, तो इसका कोऑर्डिनेट कितना आ गया 1.0। और यहां पे देखो सी पॉइंट है, अब देखो इक्विलेटरल ट्रायंगल और सी पॉइंट सिमेट्री के हिसाब से अगर देखोगे तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा हाफ, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ये 1 है, ये 60 डिग्री है, तो 60 के पास वाला कंपोनेंट तो 1 cos 60, इसके सामने वाला कंपोनेंट 1 sin 60, तो इसके कोऑर्डिनेट कितने आ गए हाफ और √3/2। अब इस क्वेश्चन को हम दो पार्ट में तोड़ देते हैं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू ए, इस ए पे जो चार्ज है उसके कारण कितनी इलेक्ट्रिक फील्ड हम अलग से निकालते हैं, देखो कैसे के क्यू 2 है, डिस्टेंस कितनी दोनों के बीच में 1, हमें पता है ना ए और सी के बीच में कितनी डिस्टेंस है 1, तो नीचे आएगा 1 का स्क्वायर। और ये देखो मैंने क्या निकाला, यूनिट वेक्टर कैसे निकाला है, देखो ऊपर वाला जो पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर माइनस जिस पॉइंट पे चार्ज है उसका पोजिशन वेक्टर डिवाइडेड बाय इस वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है। सिमिलरली मुझे बी पे जो चार्ज है उससे कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी ड्यू टू बी, तो के इंटू, देखो सी पे कितना चार्ज है 2 कूलम, डिस्टेंस तो अभी भी कितनी है 1 का स्क्वायर। अब यूनिट वेक्टर निकालते हैं, अब देखो सी का यूनिट वेक्टर तो वही है हाफ आई कैप प्लस √3/2 j कैप, लेकिन बी का यूनिट वेक्टर कितना हो गया 1 i कैप और 0 j कैप, तो बस इसका मैग्नीट्यूड ले लो और दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड को ऐड कर दो, तो आपका आ गया। तो यहाँ पे अगर 5 चार्ज भी हो ना तो आप आराम से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। एक और बात याद रखना, चार्ज पॉजिटिव है तो पॉजिटिव लेना, नेगेटिव है तो नेगेटिव लेना, जैसे अगर -2 कूलम है तो -2 कूलम लेना। आया समझ में? ओके अच्छा, अब इसका एक असाइनमेंट मैं आपको भेज रहा हूँ, तो वो असाइनमेंट आपको सॉल्व करना है, और उस असाइनमेंट में कोई भी डाउट आए तो आप मुझसे पूछ सकते हो। तो पहले आप तो आपको असाइनमेंट सॉल्व करना है और फिर आपको उसके डाउट्स जो हैं वो मेरे साथ डिस्कस करने हैं। थ्योरी इससे ज़्यादा आपको नहीं पढ़नी है, ना ही CBSE के लिए, ना ही JEE के लिए, ना ही NEET के लिए। आपको क्या करने हैं, आपको करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। आप इस पेज को सब्सक्राइब कर सकते हो, है ना, आप मेरा YouTube चैनल भी सब्सक्राइब कर सकते हो। ओके।